नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर के प्रकोप के बाद से बंद अधिकतर कॉलेज खुल गए हैं। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी यानी JNU में ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और वो है कि JNU की कमान पहली बार किसी महिला को दी गई है। सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित को JNU की नई कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर पंडित का कार्यकाल 5 साल की अवधि का होगा। प्रोफेसर शांतिश्री JNU की पूर्व छात्रा भी रही हैं। तो चलिए आज आपको प्रोफेसर शांतिश्री का JNU की छात्रा से पहली महिला कुलपति तक का सफर बताते हैं। शांतिश्री का जन्म 15 जुलाई 1962 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। स्कूली पढ़ाई में स्टेट रैंक होल्डर शांतिश्री ने हिस्ट्री एंड सोशल साइकोलॉजी में BA की डिग्री प्रेसिडेंसी कॉलेज से की है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से MA किया है, फिर इंटरनेशनल रिलेशन से MPhil किया। शांतिश्री JNU से ही इंटरनेशनल रिलेशंस में 83.4% स्कोर के साथ यूनिवर्सिटी की टॉपर रही हैं। वो JNU में 1985 से 87 में तमिलनाडु स्टूडेंट्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी भी रही हैं। प्रोफेसर शांतिश्री को साल 1988 से अब तक कुल 34 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी गोवा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुकी हैं। फिलहाल तक प्रोफेसर M. जगदीश कुमार JNU के वाइस चांसलर थे, अब उनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नया चेयरमैन बनाया गया है। JNU VC के तौर पर जगदीश कुमार का 5 साल का कार्यकाल 26 जनवरी 2021 को समाप्त हो गया था। इसके बाद JNU के वाइस चांसलर के कार्यकाल का विस्तार किया गया था। अब प्रोफेसर शांतिश्री को JNU की जिम्मेदारी दे दी गई है। वो ऐसे समय में यूनिवर्सिटी की कमान संभाल रही हैं जब पूर्व कुलपति कुमार और छात्रों के एक वर्ग के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद रहे हैं। ऐसे में सभी विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंधों को बहाल करना उनकी प्राथमिकताओं में से एक रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।